हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों यहाँ पे अगर आपके फ़ोन में यूट्यूब के एप्लीकेशन में आपका जो इंटरनेट है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रहा है और आप लोग इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो गाइज़ यहाँ पे होता क्या है, अगर आप लोग यहाँ पे यूट्यूब को यूज़ कर रहे हैं बट आपका जो इंटरनेट है वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो रहा है, तो इसके लिए आपको मैं दो सेटिंग बताऊंगा और उन दोनों सेटिंग को आपको यहाँ पे अपने यूट्यूब के एप्लीकेशन में करनी है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग अपने फ़ोन में यूट्यूब को ओपन करिए, उसके बाद यहाँ पे आपको लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपने प्रोफाइल आइकॉन को क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करिए। सेटिंग वाले ऑप्शन पे आप लोग यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई देता है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको डेटा सेविंग का ऑप्शन आता है तो यहाँ पे क्लिक करिए। डेटा सेविंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डेटा सेविंग मोड का ऑप्शन आता है तो आपको यहाँ पे इसको इनेबल करना है। जैसे ही आप लोग इसको इनेबल करेंगे ना, तो आपके YouTube के एप्लीकेशन में डेटा सेविंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, तो बहुत ही लिमिट मात्रा में जो है यहाँ पे आपके फ़ोन से जो इंटरनेट है वो यूज़ करेगा। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड में और कुछ कुछ सेटिंग्स में जो जो भी इंटरनेट यूज़ होता था तो वो यहाँ पे अब जो है यूज़ नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बैक आना है, बैक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको ऑटो प्ले का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको ऑटो प्ले को भी इनेबल कर देना है। तो इस वाले ऑप्शन को भी आप लोग यहाँ पे इनेबल कर दीजिए। अब इससे होगा क्या दोस्तों, यहाँ पे जब भी आप लोग वीडियो प्ले करते हैं, किसी भी वीडियो को देखते हैं, तो यहाँ पे कभी कभी जो है अपने आप जो नेक्स्ट वीडियो रहता है वो भी यहाँ पे चलने लगता है, तो इससे आपका जो इंटरनेट है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। यहाँ पे आप एक वीडियो देखना चाहते थे बट वो ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट वीडियो जो है वो ऑटोमेटिकली चलने लगता है, तो आप लोग यहाँ पे उसमें भी आप लोग इंटरनेट थोड़ा बहुत बचा सकते हैं, तो आप लोग ऑटो प्ले को भी यहाँ पे बंद मतलब कि ऑन कर दीजिए। ओके, तो इतना करने के बाद दोस्तों आपके यूट्यूब में जो इंटरनेट है वो बहुत कम ख़त्म होगा और यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।